Hot cross burgers. One a penny, two a penny. Hot cross burgers. One a penny, two a penny. Hot cross burgers. ये नरम बर्गर तैयार है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आप लोग खाएं जरा। ये तो बहुत ही टेस्टी है, ऐसा लगता ही नहीं है कि इसमें कबाब नहीं है। अच्छा, बहुत ही अच्छी है। सही बात है। किस दुनिया में रहते हो बनी? अभी मैंने बनाए हैं। बाजार से तो नहीं लाई। यम्मी फॉर माय टमी। ओह रियली, यम्मी फॉर योर टमी। मजा आया? इट्स वेरी नाइस। मम्मा के हाथों में तो ऐसा जायका है कि दाल कभी गोश्त ना। अस्सलाम वालेकुम, विडोज़ डायरी में आप सबको खुश आमदीद। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप अगर वाकई मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को जो है ना फुल वॉच किया करें, और लाइक देने में प्लीज़ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको फुल वॉच करेंगे और आप लाइक देंगे उतना ज़्यादा मेरा जो चैनल है वो ग्रो होगा, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगी। अच्छा, अंडे और कबाब वाला बर्गर देखने में जितना छोटा लगता है ना, उसको बनाने के का प्रोसीजर उतना ही लंबा है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत क्विक है, बहुत झटपट बन जाती है और बहुत ही इजी है, और इसका जायका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे शामी कबाब वाला बर्गर है। वेजिटेरियन लोग भी इसको इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये मीटलेस है, चिक पीस से ये बन जाती है। तो ये रात को हमने दाल बनाई थी और इस दाल को मैंने अच्छी तरीके से मज़ीद बॉईल कर लिया, और इसको जो है चम्मच के साथ ही मैंने अच्छी तरीके से जो है वो पीस लिया था, और इसको ऐसा पीस लिया था कि ये धरधरी सी पिस गई थी। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया इसको, और बहुत ज़्यादा जो है इसको साबित भी नहीं रखा। अब ये बंस को कट करके मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी जो कट हुई हुई साइड है उसको थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया था। अब बंस जब गरम हो जाएंगे तो अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर हम मेयोनीज की एक लेयर लगाएंगे, सेकंड लेयर हम टोमेटो केचप की लगाएंगे। टोमेटो केचप को स्प्रेड करने के बाद हमने जो दाल गलाई हुई थी ना, वही दाल अब हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड करनी है। आप देखें किस तरह से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ, सेम उसी तरीके से जिस तरह से कबाब को स्प्रेड करते हैं, उसी तरीके से ये दाल जो मैंने गलाई हुई थी उसको उसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा, अगर टोमेटो केचप और मेयोनीज आपके पास ना हो या आपको पसंद ना हो, फिर भी आप ये इसको सिर्फ दाल के साथ भी बना सकते हैं, फिर भी ये बहुत यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जायका आता है जैसे कि गोश्त का जायका आ रहा होता है। अब मेरे पास टोमेटोज़ और अनियंस ये अवेलेबल थे, आपके पास सैलड में जो कुछ भी अवेलेबल हो आप इसके ऊपर रख सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं आप। और फिर इसकी खूबसूरती और इसके जायके को चार चांद लगाने के लिए मैंने एक और लेयर इसके ऊपर टोमेटो केचप की लगा ली थी, और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना जो है एपेटाइजिंग और कितना मज़ेदार लग रहा है। और इसके बाद मैंने इस बन के ऊपर इसका दूसरा जो पार्ट है उसके ऊपर भी मेयोनीज लगा ली, और इस मेयोनीज को स्प्रेड करके उसको इसके ऊपर जो है रख के इसको पैक कर दिया था। जब भी आपके घर दाल बने आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उस बची हुई दाल से आप इजीली इस रेसिपी को बना सकते हैं, इवन आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या क्विकली जब भी आपको भूख लगी हो आप फौरन इसको बना सकते हैं। बंस को पैक करने के बाद फिर मैंने एक दफ़ा फिर इनको गर्म कर लिया था दोनों साइड से। इससे ये होता है कि जो कुछ हमने इसके अंदर फिलिंग की होती है वो कंप्रेस हो जाती है और बन की शेप जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है। जी, तो ये है हमारी मज़ेदार सी क्विक सी बर्गर रेसिपी विदाउट एनी शामी कबाब, विदाउट एनी अंडा। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो केचप के साथ आप इसको गेस्ट्स को भी सर्व कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक भी हो सकता है आपका। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।